पतंजलि केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। एक होर सर्वेखण विच पंजाब दे विद्यार्थियों की बल्ले बल्ले फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 विच दिल्ली दे विद्यार्थियों नूं पिछे छड्या। केंद्रीय मंत्रालय ते एनसीईआरटी वल्लों ये सर्वेखण करवाया गया। हिसाब अंग्रेजी ते हिंदी विषय विच पंजाब दे विद्यार्थी दिल्ली नालों अगे रहे। हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान ते निशाना साध्यो है, कहा कि सर्वेखण जरिए दिल्ली का फेल मॉडल मुड़ तो बेनकाब होया है ते यही फेल मॉडल पंजाब विच लागू करना चाहते ने भगवंत मान। एक होर सर्वेखण विच पंजाब दे विद्यार्थियों की बल्ले बल्ले हुई फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 विच दिल्ली दे विद्यार्थियों नूं पिछे छड्या। केंद्रीय मंत्रालय ते एनसीईआरटी वल्लों यह सर्वेखण करवाया गया और हिसाब अंग्रेजी ते हिंदी विषय विच पंजाब दे विद्यार्थी दिल्ली नालों अगे रहे। हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान ते निशाना साध्यो है, कहा कि सर्वेखण जरिए दिल्ली का फेल मॉडल मुड़ तो बेनकाब होया है और यही फेल मॉडल पंजाब विच भगवंत मान जो है वह लागू करना चाहते हैं। पंजाब दे स्कूली विद्यार्थी एक बार फिर तो कौमी सर्वेखण में दिल्ली दे विद्यार्थियों तो अगे लंघे ने। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय अते नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग वालों ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है और ट्वीट राही हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब दे स्कूलों की एक होर उपलब्धि, एक होर हैट्रिक जिसते सानू मान है। लगातार तीसरे सर्वेखण में पंजाब दे स्कूलों ने दिल्ली नू पछाड़ के ये बाजी मारी है। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 मुताबिक दिल्ली दे तीसरी जमात दे विद्यार्थियों नू बुनियादी ज्ञान की घाट है। सर्वेखण ने एक बार मुड़ दिल्ली दे फेल मॉडल नू बेनकाब किया है जिसनू पंजाब दे मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं। सो ट्वीट राही सांसद हरसिमरत कौर बादल वालों ये कहा गया। सर नाल साबका सिक्ख्या मंत्री दलजीत सिंह चीमा जी जुड़ गए ने। सर जिस तरीके दे नाल हुण ए जो सर्वे किया गया है एनएएस सर्वे च पंजाब दे स्कूलों नू दिल्ली तो बेहतर दस्या गया है, दिल्ली दे स्कूलों की अगर गल की जाए ये मॉडल जो है पंजाब विच लागू करने की गल की जा रही है तो पंजाब दे स्कूल तो ऑलरेडी बैटर कर रहे हैं क्योंकि पहला भी जो सर्वे किया गया उस विच पंजाब दे बच्चों ने बाजी मारी है। देखो गल है बड़ी हैरानी की गल है कि पिछली वारी भी जदों सर्वे होया सीगा जदों नैशनल अचीवमेंट सर्वे आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੂਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਟੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ।
जी पर इन्होंने एक जो इन्हों की हैबिट है जो इन्हों का स्टाइल है कि वार बार प्रचार करके जी ते एक भुलेखा देशवासियों को पाने की कोशिश की जाती है कि साढ़े तो बेहतर कोई नहीं बिल्कुल जो रूटीन जी है कोई न्यूट्रल एजेंसी सर्वे करती है तो वो दिल्ली के बच्चे अकैडमिक तौर पर पिछे आ जाते हैं पंजाब के बच्चे अगे आ जाते जी और अज नहीं अभी बहुत लंबे समय तो जी है अकैडमिक लैवल के उत्ते नैशनल लैवल के उत्ते पटीशन पहली दूजी हासिल करते रहे कोई अज नहीं है मेरे टाइम के उत्ते भी अभी देखते थे कि जो गुड गवर्नेंस था इंडियन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अभी देश के सैकंड से बाद च फर्स्ट भी आए एक बार लेकिन हमेशा ही जरा प्रचार के इन्होंने दिल्ली को अगर करने की कोशिश की है जी सच्चाई नहीं है पर आज मैं खुशी है कि बच्चों ने फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी है जी घट्टो घट सरकार को बधाई जरूर देनी चाहिए बिल्कुल घट्टो घट सरकार को बधाई जरूर देनी चाहिए इतने सवाल जरूर खड़ा होंगे चीमा साहब और इतने यह भी एक सवाल खड़ा होंगे कि जिस तरीके जो बच्चे पहला भी जो सर्वे हो उस बच्चों ने हमेशा बाजी मारी और दिल्ली के बच्चों पिछले पिछाड़ते हुए बाजी मारी है तो दिल्ली के मॉडल की गल की जाए तो कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से काम किया गया एजुकेशन से काम नहीं किया गया तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़ा होंगे नहीं देखो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70-75 साल के पहला भी मॉडल नहीं रहा जी क्योंकि दिल्ली हमेशा तो सत्ता का केंद्र रहा अंग्रेजा वेले भी रहा उस तो पहला मुगलों वेले भी रहा तो नैचुरली कुदरती गल है जी देश की कैपिटल है जी उहदे विच इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा देश के बाकी रिमोट जिहड़े स्टेटां ने उहदे नालों बैटर ही होना होंदा किसी भी शहर के किसी भी स्टेट के देखोगे तो पिंडां नालों इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बैटर होंदा शहरां के स्कूलों से सहूलत ज्यादा होंदियां ने जी पर वो जो है वो तो प्रचार करने का एक जरिया है कि वह गरीब लोगों उड़ीसा के जाके होर जे सरहदी सूबे जाके उत भी वह सब्ज बाग दिखाएंगे जोड़ा कि उत्थे संभव नहीं होंगे ना उन्होंने स्टेटों को उन्ने पैसे होंगे ना इन्ने रिमोट एरिए सारिया चीज़ा संभव होंगे जी पर वो हमेशा ही गुमराह कुन प्रचार के राही जोड़ा है उस मॉडल का प्रचार इस तरीके करते हैं जी कि जिमें बाकी तो कुछ भी नहीं को कर रहा देश के कोई काम कर रही है स्टेट प्रिंसिपल पोस्टा ने मैक्सिमम स्कूलों भी खाली ने सच्चाई तो बिलकुल अलग है जी। पर पेशकारी जी कमाल की बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर चीमा साहब पीटीसी न्यूज़ के नाल गलबात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सो तुम्हें दस दिए कि एक होर सर्वेखण पंजाब के विद्यार्थियों की बल्ले बल्ले हुई है फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 दिल्ली के विद्यार्थियों उन्होंने पिछले छड़िया साढ़े नाल हरजीत सिंह गरेवाल जी बीजेपी आगू जुड़ गए हैं सर पंजाब मॉडल जो है दिल्ली के भारी पै है कि तुम मनोगे कि केजरीवाल सरकार का प्रचार वड्डे फायदे का है वरना दिल्ली मॉडल की थां पंजाब मॉडल की एजुकेशन की चर्चा रही देखो जिहड़ी पॉलिसी श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार ने बनाई थी पंजाब च जी एजुकेशन दे ते काम कीता थी उहदा अज असर दिखाई दे रहा केजरीवाल तो झूठ बोलण दा उन्होंने ठेका लै रख्या ना खाता ना वही जो केजरीवाल कहे वो सही ये गल नहीं है पंजाब दे विच स्कूल अच्छे ने पर स्कूलां च टीचर ना होण तुसीं अज टीचरां दीआं सैलरीज नहीं दे पा रहे जी ये पंजाब सरकार दा काम ते उस तरफ ये कोई ध्यान नहीं दे रहे और क्वालिटी एजुकेशन तो तद ही आएगी ना जब टीचर सैलरियां समय से मिल जाएंगी तो नहीं तो क्वालिटी एजुकेशन कितों आएगी तो इस करके मैं ये समझदा कि जी अज भगवंत मान की सरकार और केजरीवाल जी जिस तरह उन्होंने को झूठ बुलवा रहे हैं या झूठा काम कर रहे हैं दिल्ली मॉडल अरे दिल्ली का कोई भी मॉडल इतने लागू नहीं हो सकता पंजाब से पंजाब के हालात अलग ने दिल्ली एक मल्टीकल्चरल सिटी है पंजाब के अंदर असी इनू पांच पार्ट बन सकते हैं एक तो मालवा हैगा मालवा दियां अलग समस्यावां ने माझा हैगा उहदियां अलग ने दुआबा दियां अलग ने एजुकेशन दे लई भी और फिर हुण एक पौंड दा एरिया हैगा जे डेढ़ दो जिले इहदे च पैंदे ने डेरा बस्सी वगैरह ते राजपुरा ये सारा तो यह सारयां दी लैंग्वेज अलग आ गलबात अलग आ कल्चर अलग आ उन्होंने जिहड़ा असीं जो कुछ पढ़ाउणा हैगा उन्होंने हालात के मुताबिक पढ़ाउणा हुंदा ते केजरीवाल जी कहिंदे कि दिल्ली का तुसीं मॉडल लै आओ इत्थे दिल्ली मॉडल आ जिहड़ियां तुसीं देख लियो जिहड़े हुण हैल्थ क्लिनिक बनाए इहदा की असर होणा इस करके साडे स्कूल भी अच्छे आ इत्थे टीचर चाहीदे टीचरां दीआं सैलरीज चाहीदियां ने और दिल्ली च वी इह झूठ बोलदे आ तुसीं सर्वे करवाओ जरूर पता लग जाएगा कि किन्ना झूठ बोलदे आ के पंजाब च ये जरूर एदा झूठ एक्सपोज होना चाहिए पंजाब तो ही होएगा
बिल्कुल पंजाब तो एक बार पंजाब के बच्चों ने साबित भी कर दिता है और हर सर्वे यही सामने आया कि पंजाब के बच्चे हमेशा तो अगे रह रहे। पीटीसी न्यूज़ के गलबात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े कांग्रेसी आगू सीनियर कांग्रेसी आगू सुखपाल सिंह खहरा जी जुड़ गए हैं। सर NASA सर्वे जो पंजाब के स्कूलों दिल्ली तो बेहतर दसया गया, फिर पंजाब के एजुकेशन मॉडल की चर्चा जो है वो दुनिया आखिर क्यों नहीं है? देखो ये दूसरी बार आ चुका जी विद इन अबाउट डेढ़ दो महीने के समय के पहला नैशनल अचीवमेंट सर्वे विच पंजाब दे स्कूल पंजाब दे बच्चे पंजाब दे टीचर्स जी दे वर बेटर ऑफ देन ऑल द अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली। तो हुण जिहड़ा फाउंडेशन लर्निंग सर्वे आया उहदे च उहनां ने बड़ा बरीकी दे नाल कोक करके कहा कि पंजाब दी एजुकेशन प्रणाली ते पंजाब दी परफॉर्मेंस बच्चों दी दिल्ली दे बच्चों नालों बेहतर है। तो मैं समझदा कि जिहड़ा रोज़मर्रा आम आदमी पार्टी वाले शोर मचाउंदे ने दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल, ये उहनां दे मूंह दे उत्ते चपेड़ है एक्चुअली। और इन्हां नूं सबक सीख के अपने सूबे की गल करनी चाहिए, इन्हां नूं कहना चाहिए कि हाँ साढ़े बच्चे साढ़े टीचर साडा एजुकेशन सिस्टम जिहड़ा वा वो दिल्ली नालों बेटर है। ये सिर्फ केजरीवाल तो डरदिया ने उहदी खुशामद करदिया मारे साडा अपना एजुकेशन मिनिस्टर साडा अपना चीफ मिनिस्टर अपने बच्चों अपने टीचर नूं भंडदा वा जी। और सर्वे तो बाद जी आई परसनली फील के दे शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ पंजाब फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। और मैं सानूं माण है अपने पंजाब से, ठीक है साडे साडे कुछ कमियां ने साडे कोल पैसे की घाट होण करके साडे कोल टीचर्स की शॉर्टेज है साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, लेकिन जो भी साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर बनया पिछले कुछ दहाकियां तो जी बिल्कुल वो दिल्ली नालों बेटर है। और क्लीनिक्स भी जिहड़े मोहल्ला क्लीनिक्स बना रहे ने ये सिर्फ उहदी होमे नूं पट्ठे पा रहे ने केजरीवाल साहब दे, साडियां पेंडू डिस्पेंसरियां सारियां खराब कर रहे हैं। 1 अप्रैल तो पिंडां दी डिस्पेंसरियां विच दवाई नहीं मिल रही जी, इहदे नालों बेटर सीगा कि नवीं क्लीनिक्स खड़े करन नालों तुसीं जिहड़ा बजट है वह पंजाब दीआं मौजूदा पेंडू डिस्पेंसरियां उत्ते खर्च करो तुसीं जी। बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की जाए भावें इंफ्रास्ट्रक्चर की घाट हो खेरा साहब, लेकिन उसके बावजूद भी जो पंजाब के बच्चे है उन्होंने दिल्ली के बच्चों पिछले पछाड़ दिता है और जाहिर तौर पर यह प्रूव किया है कि सब तो अगे ने। लेकिन इतने एक सवाल खड़ा होता है कि पंजाब के बच्चे जो है बधाई का पात्र भी नहीं बनते क्योंकि उन्होंने किसी ने बधाई तक नहीं दी है। उही तो मैं कहा कि बड़े अफसोस की गल है बधाई तक की देनी नुक्ताचीनी करते हैं जी। जो नैशनल अचीवमेंट सर्वे पिछले महीने तो आया जी जिहदे साडी परफॉर्मेंस बच्चों की और जिहड़े टीचर से उन्होंने बेटर सी तो एजुकेशन मिनिस्टर ने तो भगवंत मान ने मजाक उड़ाया अपने बच्चों का जी बिल्कुल। कोई देखा चीफ मिनिस्टर जो अपनी ही स्टेट के बच्चों का मजाक उड़ावे? बिल्कुल। तो देखो ताई मैं कह रहा ना कि ये सिर्फ सिर्फ अलाप रहे ने उहदा दिल्ली मॉडल का जाप जी बिल्कुल। हालांकि ग्राउंड के उत्ते पंजाब देखो कितनी वड्डी स्टेट है, दिल्ली तो एक शहर है बिल्कुल, और दिल्ली को स्रोत देखो किन्ने ने तुसीं एयरपोर्ट की इनकम है उन्होंने 7 स्टार होटेल्स ने इंडस्ट्री किन्नी आ जी। साडे कोल घट स्रोतों के होंदिया साढ़े तकरीबन 20,000 स्कूल है पंजाब दे विच सरकारी जी, ते दिल्ली दे विच तां कुछ इहदे मुकाबले बहुत थोड़े स्कूल ने जी। तो इस करके इहदे इतनी नफरी ज्यादा होण दे बावजूद भी साडे बच्चों की परफॉर्मेंस साडे स्कूल की परफॉर्मेंस दिल्ली नालों बैटर आउण दा मतलब यह है कि साडा पंजाब दिल्ली नालों और जिहड़े सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल है उहदे नालों कई गुणा बेहतर साडी स्टेट है। बिल्कुल जाहिर तौर पर पंजाब जो है बेहतर है और बच्चे जो है बच्चों ने साबित कर दिता है पंजाब के बच्चों ने कि सब तो अगे ने। सुखपाल सिंह खहरा साहब PTC न्यूज़ के नाल गलबात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो पंजाब के बच्चों ने साबित कर दिता है कि वो सब तो अगे ने और दिल्ली के बच्चों को पछाड़ दिता है। अगे वध्या उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने ट्वीट करके पंजाब सरकार से निशाना साधे और कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी हुण पंजाब के स्कूलों वालों दिल्ली नूं पिछे छड्डन वाले इस सर्वेखण नूं भी दरकिनार करेगी। आम आदमी पार्टी नूं अपना झूठ हंकार छड़ ए मन लेना चाहिए है कि पंजाब का पहला तो चल रहा मॉडल दिल्ली के मॉडल नालों कितें बेहतर है।